नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ममता मिश्रा। पलामू के मरुमातु गांव में पिछले दिनों 50 महादलित परिवारों को गांव से बेदखल किए जाने के मामले को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मंगलवार को पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों और राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इसके माध्यम से पलामू के पीड़ित महादलित परिवारों को पुनर्वासित करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई। इसी कड़ी में जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर भी जमशेदपुर महानगर अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन करते हुए इस राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा SC मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिजीत कालिंदी ने बताया कि राज्य की वर्तमान महागठबंधन की सरकार में हर कोई असुरक्षित है। आदिवासी, मूलवासी से लेकर दलित, महादलित सभी तुष्टिकरण की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। सरकार खास कौम को तरजीह दे रही है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और दलित, महादलित साजिश का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने पलामू के सभी पीड़ित महादलित परिवारों को उसी गांव में पुनर्वास करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका को भी संदिग्ध बताया। DC कार्यालय के समक्ष में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर द्वारा पलामू में एक घटना घटी, जहां अनुसूचित महादलित परिवार के 50 घरों को बेघर कर दिया गया। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज उसी के संदर्भ में हम लोगों ने DC कार्यालय जमशेदपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं एक राज्यपाल के द्वारा आपका जरिए कि जल्द से जल्द इस घटना को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें। हम लोग मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करें और उसे मुआवजा और उसे जगह चिन्हित करके किया जाए। मैं जमशेदपुर महानगर अनुसूचित जाति मोर्चा अजीत कालिंदी, अगर बातें आप लोगों के आगे अगर हमारे बातों को नहीं रखेंगे तो सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष करेंगे और दलित समाज को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे।